अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रिजवाना इन द किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने की भुनी हुई चाट। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। चना चाट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप उबले हुए चने, 1 कप उबले हुए आलू, 1 कप टमाटर, दरमियानी साइज का प्याज, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, प्याज। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए नीमको और हरा धनिया। इमली की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप इमली का पल, 1 टेबल स्पून नींबू का रस, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून शुगर। पहले पैन में हम ऑयल गरम करेंगे और प्याज ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको 1 मिनट पकाने के बाद इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। दो 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको तब तक भूनना है जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अब इसमें हम चने ऐड करेंगे। अब आलू ऐड करेंगे। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे, हरी मिर्च, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इमली की चटनी बनाने के लिए पहले हम बल्ब ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, शुगर, 1 टेबल स्पून नमक, लेमन जूस। अब इन सब चीजों को मिक्स करेंगे। हमने इमली की चटनी तैयार कर ली है, अब इसमें हसबे जायका इमली की चटनी ऐड करेंगे। अब इसको हम गार्निश करेंगे। चना चाट हमारी तैयार है।